एक्टिविस्ट थे, एक वर्कर थे या लीडर कह लीजिए, तो फैजल हसन चौहान साहब इनको हर जगह भेजते थे फोन करना, लेट से मेरा आपसे ताल्लुक है, मेरा शेख साहब से ताल्लुक, किसी दोस्त से ताल्लुक है, तो आप पहले कॉल कर देते हैं मेरा फलां गेस्ट आ रहा है जरा अकोमोडेट करना। अब जब गेस्ट इंट्रोड्यूस करवाते करवाते वो गेस्ट सारा कुछ रिकॉर्ड भी कर रहा था, लेकिन बदकिस्मती चौहान के साथ ये शरीफ आदमी के साथ कि उसको ये पता नहीं था। शरीफ आदमी मैं यही कहूंगा, खुदा को हाजिर ना सजा, मैं फिर सर यही कहूंगा कि मैं 1 लाख से नहीं करूंगा, मैं नहीं 1 लाख से करूंगा। तो आदमी कह देना, आदमी आदमी कह दे, आदमी कहना भी वैसे अनजस्टिफाइड था, लेकिन चले आप कह रहे हैं। तो चौहान बेचारा खुद भी रिकॉर्ड हो रहा था जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा था थ्रू आउट। ये एक वीडियो जो लीक हुई है फैजल हुसैन चौहान की, इनके साथ एक वीडियो नहीं है, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लोगों के बारे में भी है। और मैं आपके शो में बता रहा हूं कि हमारे एक बड़े सीनियर मिनिस्टर है, आपको टेलीविजन पर रोज नजर आते हैं, बड़ा शोर शराबा मचाते हैं, पहले मरकज में इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे फवाद चौधरी साहब। हरीम का और संदल का क्लेम यह है कि उनके पास फवाद चौधरी की बेतहाशा वीडियोज हैं। वीडियोज तो आपकी भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, अल्लाह कभी ना करे वो जो वीडियो बशीर साहब आपकी और मेरी किसी के पास हो, अल्लाह कभी ना करे ऐसी वीडियो, येट अगेन आई एम कोटिंग, अल्लाह कभी ना करेगा वीडियो आपकी मेरी या किसी भी शरीफ आदमी, वो किसी भी इखलाक से गिरी, इखलाक से गिरी वीडियो है और फवाद चौधरी की है। फिर कह रहा हूं मुझे ये दैट वाज आई ओपनर फॉर मी, मुझे शॉक में चला गया जब मैंने जब तक वो देखी नहीं है। आपने देखी है जी? मुझे मेरे तक वो आई वीडियोस। उसके बाद आगे क्या होता है, एक खातून वजीर है जिसका आपने भी ओपनिंग में बताया, उन्होंने इनकी पर्सनल डिटेल्स लीक की है। अब मैंने उसके थोड़ा सा और डिग आउट किया कि यार पर्सनल डिटेल्स आप कितना किसी के, आप उनके आईडी कार्ड, पासपोर्ट, उनकी फैमिली के बारे में क्यों लीक करोगे? तो पता ये चलता है कि जी उन खातून वजीर के भी बहुत सारी वीडियोज इनके पास है, हरीम के और संदल के पास है। और ये स्टोरी यहाँ पे खत्म, मैंने कहा ना प्रसाद को नहीं कौन कौन खा रहे हैं, ये बहुत पुरानी स्टोरी चलती आ रही थी, ये 4-5 साल से ये लोग मवाद इकट्ठा करते आ रहे थे। और इमेजिन कीजिए को 4-5 साल वो उन्होंने डाइजेस्ट किया उसको प्रॉपरली, वो पकाया है, यानी इसका मतलब पक्की भी है। यस, दे वर प्रोफेशनल्स एंड देन दे रिलीज्ड एवरी सिंगल वीडियो स्लोली। अभी तो नहीं की उन्होंने रिलीज, जो आप वीडियोस वो आ जाएंगे, वो बहुत जल्दी आने वाली है। अच्छा। उसमें बहुत सारी पावर्स हैं जो एक्टिवेट हैं इस टाइम पे कि नहीं आनी चाहिए वीडियोस, नहीं आनी चाहिए। और फिर एक कैंपेन पीटीआई ने विदिन पीटीआई लॉन्च कर दिया कि यार अगर वीडियोज आ भी जाती है तो क्या डैमेज करेंगे। अब मैंने इस पे आगे से कॉमेंट